नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर दोनों में वाणिज्य गणित में प्रतिशत का उपयोग के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। चाहे आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो, दोनों सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनका हल भी हम आपको करके दिखाएंगे। प्रतिशत का उपयोग पढ़ने से पहले आप मेरे ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि 500 का 35% कितना होगा। इसका आंसर नीचे कमेंट में बताइए। देखो, ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिया तो इससे ये पता चलेगा कि आपको प्रतिशत की अवधारणा का ज्ञान है। प्रतिशत आप सामान्य रूप से जानते हैं, अच्छे से भी जानते हैं, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर नीचे कमेंट बताइए, ताकि आपके नाम से वहां दिखेगा कि किसने किसने आंसर दिया है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% 280 है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर साफ साफ ये बताया जा रहा है कि हमें वो राशि ज्ञात करनी है जिसका 35% 280 के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं वो राशि है x, x का 35% कितना है? 280 है। तो 35% 280, ठीक। x का 35% प्रतिशत कैसे लिखेंगे? 35/100, और ये कितना है? 280 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 280। ये जो 100 है इसको उस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 35 ऊपर है तो ये नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मान चलिए 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10 = 20 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। 7 से सब इसको काटेंगे, 7 × 4 = 28 और ये 0 लग जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? ये 40 और ये 20 दोनों का गुणा किया तो 800 आ गया। तो यहाँ पर 800 वह राशि है जिसका 35% 280 है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है कि ऐसी कौन सी राशि है जिसका 3/5% 90 है। तो मान लेते हैं वो राशि है x, तो इसका 3/5%, जब 3/5% की बात करेंगे तो बटे में 100 भी आएगा, तो नीचे उसी में गुणा कर देंगे और ये कितना है? ये 90 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, x और ये 90 है तो 90 और ये 5 × 100 ये हो जाएगा 500। यहाँ डिवाइड में बराबर के उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 3 से इसको काट दो, 30 आ जाएगा। अब 500 × 30 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 × 3 = 15,000। तो ये समझ में आया बात कि कैसे इसको सॉल्व किया गया, कौन सी राशि वह है जिसका 3/5% 90 है, तो वो राशि कितनी है? 15,000। सारा खेल यहाँ पर कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन अगर अच्छे से करना आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 0.25% ये 600 है। ऐसी कौन सी राशि है जिसका 0.25% 600 है? तो इसको आप करके देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा। मान लेते हैं वो राशि है x और इसका 0.25%, ये कितना है? 600 है। अब इसको सॉल्व करो, बराबर के उस तरफ ले जाओ, 600 ये 100 उस तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद अंक कितने? 1 और 2, तो ऊपर हमें 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, 25 × 100। अब इसको सॉल्व कर लो, 600 × 100 × 4, 6 × 24 और ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, तो कुल मिला के कितना आ गया? 240,000। यानी वह राशि 240,000 है जिसका 0.25% 600 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मान लेते हैं वह राशि कितनी है? x है, ठीक। जैसा कि प्रश्न में दे रहा है वैसे ही वैसे करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं वह राशि x है और इसका क्या करना है? 5%, ठीक। ये किसके बराबर है? 600 के 15% के बराबर है। जैसा प्रश्न में दिया है सेम वैसा ही कर देंगे। मान लेते हैं वह राशि है x
और बोल रहे हैं किसी राशि का 5%, तो x का 5% ये किसके बराबर है, 600 के 15% के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो, ये दो जीरो यहाँ से कटा, दो जीरो यहाँ से कटा, अब यहाँ से इसको काटेंगे 5 और 100 को काटेंगे तो आएगा 20। x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 20 डिवाइड में बराबर के उस तरफ जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 15 × 20। अच्छा ये दो जीरो इससे कट गए, ठीक है ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 15 × 6 = 90 और 90 × 2 = 180 और एक ये जीरो डाल लिया। तो इस तरह आपने देखा कितना आंसर आ गया, 1800 आया, यानी 1800 का जो 5% होगा वो 600 के 15% के बराबर होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहे वह राशि ज्ञात कीजिए, तो वह राशि है 1800 रुपये। क्लियर हो गई बात, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 3, एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, अब ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये समझो, अगर 20% ने मत नहीं डाले तो डाले कितने लोगों ने होंगे, 20% घटा दो, ये डाले होंगे 80% लोगों ने मत डाले होंगे। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 7500 का 80% निकाल लो तो पता चल जाएगा कि कुल कितने लोगों ने मत डाले हैं। तो 7500 का 80% निकाल लो, 7500 × 80% 1020 और इसको काट दो। अब यहाँ इन दोनों का 75 और 80 का मल्टीप्लाई करो, 10 ये उतार लो, 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 56, 56 × 4 = 60। तो आपको पता चल गया कि एक चुनाव में कितने लोगों ने मत डाले हैं, 6000 लोगों ने मत डाले हैं और टोटल मतदाता कितने थे, 7500। सीधा सीधा यहाँ पर किया गया 7500 कुल मतदाता हैं, ध्यान से समझना ठीक। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 20% वोटर्स ने वोट नहीं डाले, 20 ने नहीं डाले, तो डाले कितने होंगे, 80 ने डाले होंगे ठीक है, क्योंकि टोटल कितने होते हैं, 100%। अब 100% में 20% ने नहीं डाले तो 80% ने डाले होंगे। अब यही पूछ रहा है यहाँ पर कि कुल कितने लोगों ने मत को डाला है, तो 7500 का 80% निकाल दो, यही आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ रहा है 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है, 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए, ये बताना है। देखो 1 किलोग्राम में पूछ रहा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि ग्राम में पूछ रहा है तो हमें ग्राम में ही निकालना है। अब यहाँ पर देखो खड़िया जो है वो कितनी है, खड़िया में 40% कैल्शियम है ठीक, तो कैल्शियम लिखते हैं, कैल्शियम कितनी है, 40% है, तो 1000 ग्राम का 40% निकाल लो, ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 400 ग्राम ठीक। इसी तरह बोल रहे हैं कार्बन का निकालो, आप हिंदी में लिख देना कार्बन ठीक है, 12% है, तो 1000 का 12% निकाल लो, आपका आ जाएगा 120 ग्राम ठीक। इसी तरह अगला है ऑक्सीजन ठीक, तो ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 48%, तो 1000 का 48% निकाल लोगे तो ये आपका आ जाएगा 480 ग्राम ठीक है। अब 1 किलोग्राम में कैल्शियम कितना हो गया, 400 ग्राम, कार्बन कितना हो गया, 120 ग्राम और ऑक्सीजन कितना हो गया, 480 ग्राम। इस तरह हमने खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बता दी। इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, 5वां नंबर है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है, इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं, तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करो। देखो जब 1200 जनसंख्या है, 40% पुरुष हैं ठीक, 30% स्त्रियां हैं ठीक, तो बच्चे कितने होंगे, अब टोटल परसेंटेज होता है 100, 40 और 30 तो पुरुष और स्त्रियां, यानी 70% तो पुरुष और स्त्रियां हैं, तो 100 में जब 70 घटाएंगे तो बचेगा 30, तो 30% क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है, तो तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या बराबर 1200,
तो यहाँ पर ये बताइए पुरुष की प्रतिशत कितना है, पुरुष का प्रतिशत है 40, तो 1200 का 40% निकाल लो, 10 ये कट गया, 12 × 48, 480 क्या हो जाएंगे पुरुष हो जाएंगे। ठीक, अब स्त्रियां देख लो, स्त्रियां कितनी बताई जा रही हैं 30%, तो 1200 का 30% निकाल लो, 10 दो जीरो नीचे कटे, 20 ऊपर काटो, तो 12 × 36, 360 क्या हो जाएंगी स्त्रियां हो जाएंगी। अब बच्चे 30% ही हैं तो बच्चे भी 360 हो जाएंगे, तो ये हो गए बच्चे, ये हो गए स्त्रियां, और ये हो गए आपके पुरुष। तो यहाँ पर तीनों की अलग अलग संख्या निकाल ली गई है, यही पूछा जा रहा है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर है, एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है, यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा आपको बतानी है। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझो। तो सबसे पहले ये यहाँ पर समझना है कि एक मिश्रण में 20% तो लोहा है, ठीक, 38% रेत है, और शेष जितना भी बच रहा है वो क्या है, कांच है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल परसेंट कितना होता है, 100, तो 100 हमें इन तीनों को मिलाकर करना होगा तभी टोटल होगा, 20 और 38 हो गया 58, तो जो शेष कांच है वो 100 में 58 माइनस करो, 42% बचेगा। ठीक है, तो कांच का प्रतिशत कितना आ रहा है, कांच का प्रतिशत 42%, कांच की मात्रा कितनी है, ये दे रखी है आपको 168 ग्राम। ठीक है, तो मिश्रण में कांच की मात्रा कैसे निकालेंगे, देखो मिश्रण में कांच की मात्रा 168 जो है, 168 है, ये कितना है, ये 42% है। ठीक है, ये कांच की मात्रा है। अब अगर हमें मिश्रण ज्ञात करना है, ठीक, तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि टोटल मिश्रण कितना है 100, यहाँ से हम क्या निकालेंगे 1% निकाल लें क्योंकि कांच की मात्रा 168 ग्राम और इसका परसेंटेज है 42, तो 168 बटे 42 किया, तो इससे हमें क्या मिला 1% की वैल्यू मिल गई। अब हमें 1% की वैल्यू मिल गई, मिश्रण तो 100% है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, 42 × 168 और 4 का 100 में गुणा करेंगे तो 400, तो मिश्रण की कुल मात्रा कितनी हो गई 400 ग्राम। इस तरह ये साधारण सा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि जो वाणिज्य गणित के अंतर्गत आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में आता है पेपर में क्वेश्चन ये वाले, तो इनको आप आसानी से सीख गए होंगे, और अगर आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाता है तो उम्मीद करता हूँ कि गलत नहीं होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।